Good morning, students. Today we are going to the reading of unit number 2, Growth and Movement in Living Things. Growth means बढ़ना, movement in living things. हमें पता है कि जो चीज़ें living हैं वो move करती हैं. जैसे कि आप इस picture में भी देख रहे हैं. Living things grow. लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, वो ग्रो करती हैं. सो वी हैव टू नो अबाउट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. डू यू नो विच थिंग्स आर लिविंग एंड विच थिंग्स आर नॉन लिविंग? ओके, आई विल टेल यू. लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स आर ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हम लोग हैं, एनिमल्स हैं. प्लांट्स आर ऑल्सो कंसिडर इन लिविंग थिंग्स बिकॉज ये बढ़ते हैं. इंसान भी बढ़ते हैं, जानवर भी. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं? जैसे यहाँ पे क्या कपड़े वगैरह बढ़ते हैं, या स्टोन्स जो होते हैं, ब्रश, टेबल, सॉक्स, या प्लास्टिक की गुड़िया, डॉल, कार. दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. ये मूव नहीं कर सकती, ठीक है? लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स. दे कैन मूव, दे कैन ईट, दे कैन ग्रो. But non-living things cannot grow, cannot move. Just we can touch them. हम इन चीज़ों को सिर्फ छू सकते हैं. ये चीज़ें खुद हमारे पास नहीं आ सकती या ये grow नहीं करती. Okay? That's why we called it non-living things. Page number 11. Living and non-living things. Living things are quite different from non-living things. ये बिल्कुल different होती हैं living things से, non-living things जो हैं. They have characteristics which non-living things do not. इनकी कुछ characteristics हैं जो हम देखेंगे कि जो कि non-living things जो हैं नहीं कर सकती. Plants and animals are living things. हमें भी मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं. ये लिविंग थिंग्स हैं. दे आर अलाइव, ये जिंदा होती है एक तरह से. बट रॉक्स, स्टोन्स, पेबल्स एंड सैंड आर नॉन लिविंग थिंग्स. ये चीज़ें क्या हैं? ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं. यू कैन लुक एट द पिक्चर. दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, स्टोन्स, पेबल्स, सैंड. What living things can do? Living things करती क्या हैं, क्या कर सकती हैं? Living things eat, वो खा सकती हैं. Plant can make their own food, पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं. Animals eat plant and other animals. Animals जो हैं, जानवर हैं, वो पौधे खाते हैं और क्या करते हैं, और दूसरे जानवरों को खाते हैं. Living things breath, लिविंग थिंग्स से वो सांस भी लेती हैं. जैसे कि आप सांस लेते हैं तो जिंदा है, तो अगर ना लें तो वो नॉन लिविंग में कंसीडर किया जाता है. कि जब हम डेथ हो जाती तो हम क्या कर सकते हैं? हम मूव भी नहीं कर सकते. जब तक हमारी सांसें हैं हम जिंदा हैं. दे टेक इन एन एयर टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये हवा में क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. द ऑक्सीजन इन द एयर चेंजेस द फूड इनसाइड देयर बॉडीज टू एनर्जी. ऑक्सीजन जो हवा में है वो हमारी खुराक को जो है हमारे जिस्म के अंदर तब्दील करती है एनर्जी को, हम एनर्जी में तब्दील करती है हमारे बॉडी में. लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी फॉर ऑल देयर एक्टिविटीज़. लिविंग थिंग्स को जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, काम करने के लिए. लिविंग थिंग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट और अनवांटेड थिंग्स फ्रॉम द बॉडी. लिविंग थिंग्स जो हैं वो
गेट रिड ऑफ वेस्ट और अनवांटेड थिंग्स जो होती है फ्रॉम द बॉडी, अपने जिस्म से निकालते हैं। जैसे हम वॉशरूम वगैरह में जाते हैं तो क्या है वो हम जो वेस्ट में जो होता है हमारा वो हम जो है पास करते हैं। लिविंग थिंग्स आर एबल टू मूव, लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव कर सकती हैं। प्लांट्स कैन मूव सम ऑफ देयर पार्ट्स, पौधे जो हैं पौधे के कुछ हिस्से जो हैं वो भी मूव कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि रूट्स जो हैं वो दूर दूर तक फैलती है, वो मूव करती रहती हैं। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो करती हैं। जैसे हमने पहले मैंने आपको जो पिक्चर्स दिखा रही थी कि लिविंग थिंग्स की जो हैं वो ग्रो करती हैं उन, और दे इंक्रीज इन साइज, वो साइज़ में बढ़ते हैं, दे बिकम हैवियर, और जैसे जैसे वो बढ़ते हैं साइज में भी बढ़ते हैं तो उनका वेट भी बढ़ता है। लिविंग थिंग्स कैन फील द चेंजेस अराउंड देम, जैसे जो हम इर्द गिर्द के माहौल में हमारी चीज़ें जो चेंज होती हैं तो हम जो लिविंग थिंग्स हैं वही फील कर सकता है, उनके अंदर एहसास होता है, उनके अंदर चीज़ों को देखने की सलाहियत होती है। ठीक है, दे कैन रिएक्ट टू चेंजेस, अगर ये चीज़ें जब ये चीज़ें चेंज होती है तो वो उन पर रिएक्ट भी करते हैं। ठीक है, नाउ टर्न द पेज नंबर 12, मोमेंट्स, पेज नंबर 12, मोमेंट्स, हरकत, मोमेंट्स इन एनिमल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि जानवरों की हरकत के बारे में देखेंगे। एनिमल्स कैन मूव पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, जानवर जो है वो अपने जिस्म, आपको पता है ये कैन मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़ का अपने जिस्म को वो मूव करते हैं। दे कैन ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हमने जैसे पीछे पढ़ा था कि वो एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करते हैं। एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प देम टू मूव, जानवर कुछ हिस्से ऐसे होते हैं स्पेशल हिस्से होते हैं जो कि मूव करते हैं, उनको मदद करते हैं उनको मूव करने में। फिश हैव फिन्स, फिश के फिन्स होते हैं टू स्विम इन वाटर, पानी में तैरने के लिए। बर्ड्स एंड इंसेक्ट हैव विंग्स टू फ्लाई, बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो हैं हशरात जो हैं उनके विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए। और हम लोगों के लिए हम मूव कैसे करते हैं, हम लोग लेग्स के ज़रिए से मूव करते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये हैं इनकी फिन्स, ये शार्क है जो शार्क किससे मूव करती है अपने फिन के ज़रिए से। ईगल, ईगल ये विंग्स हैं ईगल की, बटरफ्लाई के भी विंग्स हैं, ये आ जाती है इसमें जो है इंसेक्ट्स में। मोस्ट एनिमल्स लाइक रैबिट्स मॉन्कीज एंड कैंगरूज हैव लेग्स टू वॉक हॉप जंप और क्रॉल ऑन लैंड। अभी एनिमल्स देख सकते हो कैंगरूज और मॉन्की, कैंगरूज और मॉन्की को ये अपनी लेग्स के ज़रिए से जंप करते हैं। ठीक है, हॉप करते हैं, क्रॉल करते हैं ज़मीन पर। सम लार्ज एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स, व्हेल, शार्क एंड सील हैव फ्लाइपर्स टू स्विम इन वाटर। अब जैसे कि डॉल्फिन, व्हेल और शार्क जो है ये किससे मूव करते हैं, ये इनके फ्लाइपर्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसे जिसके ज़रिए से ये मूव करते हैं। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर? मेरे ख्याल में सब चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को। अभी हम मोमेंट इन एनिमल्स के पढ़े हैं तो हम अब इसकी नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा देखते हैं अब इन ज़रा जो है हम हमारे जो मसल्स हैं उनके बारे में क्या हम किस तरह से मूव करते हैं। ठीक है जी, मसल्स, मसल्स मेक योर बॉडी मूव, हमारे जो मसल्स हैं हम उनके ज़रिए से हम मूव करते हैं। सम ऑफ योर मसल्स आर जॉइंट टू बॉन्स, हमारे कुछ जो मसल्स हैं वो हमारी बॉन्स के साथ वो जॉइन है। द पॉइंट वे टू बॉन्स फिट टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट। ठीक है जी, जिसे दो हमारे जो है बॉन्स एक दूसरे जुड़ी है उनके जो मिड वाला हिस्सा है उसे हम जॉइंट कहते हैं, जिसे हम मूव करते हैं, ये हमारे बाजू है। ठीक
ठीक है। बाजू के ये वेलोसिटी से हम कोहनी का हिस्सा कहते हैं, कोहनी से ये हमारे इस मसल के साथ क्या हुआ है, जॉइन है बॉन के साथ, इस वाले बॉन के साथ मसल एक्सटेंडेड, दिस इज जॉइन एंड बॉन, इसके ज़रिए से हम बाजू को ऊपर नीचे कर सकते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ बॉन्स इज कॉल्ड अ स्केलेटन। हमारी बॉडी में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी रीड किया था कि स्केलेटन क्या था, उसमें जो हमारे बॉन्स एक एक ढांचा होता है उसे हम स्केलेटन कहते हैं, ठीक है जी। बॉन्स मूव एट द जॉइंट, हमारे यही बॉन्स जो हैं वो जॉइंट को भी इन्होंने, बॉन्स मूव एट द जॉइंट, जो हमारी बॉन्स है वो कहाँ से मूव करती, जॉइंट से। जैसे ये लेग के साइड पे देखा जाए तो वो नी के ज़रिए से हम मूव करते हैं, हैंड ये हमारा आर्म है, आर्म में हमारा जो ये वाला हिस्सा है जिसे हम जो हमारे ये कोनी वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये एल्बो हम जो है यहाँ से हम मूव करते हैं। मसल हेल्प द बोन टू मूव बाय बिकमिंग शॉर्ट एंड फैट। मसल्स जो हैं, मसल हेल्प द बॉन्स, मसल जो हैं वो हमारे बॉन्स को में हेल्प करते हैं टू मूव बाय बिकमिंग शॉर्ट एंड फ्लैट। कुछ मसल जो है हमारे शॉर्ट हो जाते हैं, कुछ जो हैं बहुत फैट भी होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे यू नो सीधा बाजू दिखाए आर्म, और ये जिसके ज़रिए से हमारे हम मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बॉन है, यहाँ से देख सकते हो आ कंट्रैक्टेड आर्म, ये मसल्स है, यहीं से मसल भी शॉर्ट भी होते हैं और फैट भी होते हैं। सम एनिमल्स डू नॉट हैव बॉन्स इन साइड देयर बॉडीज, कुछ एनिमल्स के बॉन्स नहीं होती, हमें पता है जैसे एक्सोस्केलेटन और स्केलेटन, स्केलेटन वो होते हैं जिनके अंदर बॉन्ड होती है, और एक्सोस्केलेटन वो होते हैं जिनके अंदर बॉन्ड नहीं होती। हम रीड करते हैं, दे हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग मसल्स आर अटैच टू इट, इनके क्या होते हैं, इनके गिरते एक बहुत आउटर जो बाहर वाला हिस्सा है वो हार्ड कवरिंग होता है, मसल्स आर अटैच टू दैम, मसल्स भी उनके साथ अटैच होते हैं। द हार्ड आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एन एक्सोस्केलेटन, जैसे आपने देखा होगा उसको टर्टल्स को, उसका बाहर वाला हिस्सा कितना हार्ड होता है, ऊपर वाला हिस्सा कवरिंग होता है, तो वो क्या है, एक्सोस्केलेटन। ये इसकी एग्जांपल है, एंड वॉर्म, कैटरपिलर, ठीक है, इनमें बॉन्स नहीं होती। एंड्स एंड कॉकरेजेस आर एग्जांपल ऑफ क्रिएचर्स दैट हैव एक्सोस्केलेटन। सम एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म डू नॉट हैव एनी बॉन्स और एक्सोस्केलेटन, देयर बॉडीज आर सॉफ्ट, इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, दे यूज देयर मसल्स टू क्रॉल, और ये इनको हेल्प करते हैं, इनकी मसल्स ही इनकी हेल्प करते हैं इनको क्रॉल करने में। द बॉडी ऑफ द कैटरपिलर इज सॉफ्ट, इट इज़ फिल्ड विद द वाटरी सब्सटेंस, दिस वाटर सपोर्ट्स इट्स बॉडी एंड हेल्प्स इट टू मूव, यही इनकी हेल्प करते हैं, ये जो इसके अंदर, इनके अंदर पानी जो होता है इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो वाटरी सब्सटेंस होता है इसकी हेल्प करते हैं इनको मूव करने के लिए। Students, I hope you can understand. So you have to learn the definition of skeleton and exoskeleton. Okay. Skeleton are those who have a bone, and exoskeleton are those who have not bones, do not have any bones inside their bodies, called the exoskeletons. The animals who have bones and in their bodies is called skeleton. I hope you can understand the chapter. This is your work. Living and non-living things picture you will draw on your notebook, need copies. Okay, students? You can also paste it. If you have a pictures, you can paste it. If not, you can draw the pictures. Thank you.